साल बड़े थे, केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। वो इस भवन की दुनिया खुद मजबूत डालने चाहते थे ताकि जिस पर आलिशान महल बन सके वो 1 साल के काम को 2 साल में करते थे, और कभी कभी तो 3 साल लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने। वो बड़े थे, मैं छोटा था। उनकी उम्र 14 साल की और मैं 9 साल का। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी भी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोलकर बैठे रहते थे, शायद दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे, और कभी एक ही नाम को 10-20 बार लिख डालते थे, और कभी एक ही शेर को सुंदर अक्षरों में नकल किया, और कभी ऐसी शब्द रचना करते थे जिसका ना तो कोई अर्थ होता था ना ही सामंजस्य। कॉपी पे मैंने यह एक बार इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल राधे श्याम, श्री एक राधे श्याम भाई भाई, पूरे 1 घंटे तक। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ, मैंने जानने की बहुत चेष्टा की मगर असफल रहा। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात, और मेरा जी पढ़ने लिखने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था, कभी कंकड़ियां उछालता था तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता था। अगर कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या है, कभी चार दीवार पे चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, और कभी फाटक पर सवार होके उसे आगे पीछे इधर उधर करते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही उनका रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल यही होता था, कहां थे? हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और जिसका जवाब केवल मौन होता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती थी, भाई साहब जरा बाहर खेल रहा था, मेरा मौन ही कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। अब भाई साहब को इसके सिवा दूजा कोई इलाज न था। किसने और रोष मिले शब्दों से मेरा सत्कार करे। अगर इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पढ़ते रहोगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, चाहे तो जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहां आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये विद्या आती है। अरे आती है क्या, कहने भर को आ जाती है। यहां बड़े बड़े विद्वान शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, तो बोलना तो दूर की बात, और मैं कहता हूं कि तुम कितने बड़े घूंगा हो, मुझे देखकर सबक ना लेते। यहां रोज हॉकी क्रिकेट के मैच होते, उसको कभी देखते हुए जाते देखा है? तो भी एक ही दर्जे में 2-2, 3-3 साल पड़ा सड़ता रहता हूं। तुम कैसे आशा करते हो कि खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें ऐसी उन्हीं उम्र गंवानी है तो बेहतर घर चले जाओ और मजे के साथ गिल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की गाड़ी कमाई कर भाई, क्यों पर बात करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता था। जवाब ही क्या था, अपराध मैंने किया तो लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी लगती बातें कहते थे, ऐसे सुखते वाण चलाते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, पर मेरी हिम्मत टूट जाती थी। जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति अपने में न पाता था, और जरा देर निराशा में सोचने लग जाता था, क्यों ना घर चला जाऊं,
जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था। मगर घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते थे और मैं इरादा करता था कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। पर एक टाइम टेबल बना लाता था, बगैर पहले इसको नक्शा बनाए अरे स्कीम तैयार किए किसी काम की शुरुआत कैसे की जाए। टाइम टेबल में खेल कूद के मत बिल्कुल उड़ सी जाती थी। प्रातः काल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोना, तक पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक विज्ञान, फिर मुझे फिर स्कूल चले जाना, स्कूल से 3:30 बजे लौटना, लौटने पर 8 घंटा आराम, 4 से 5 तक फुटबॉल, 5 से 6 तक ग्रामर, 6 से 6:30 तक अंग्रेजी का पोजीशन, उसके बाद फिर 8 घंटा होस्टल का काम नहीं करना, फिर भोजन करना, 8 से 9 तक, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पे अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसके हवेलना शुरू हो जाती, मैदान की वो सुखद हरियाली, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, हवा को हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल 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 को छक्कू, कबड्डी 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 को दांव खा, वॉलीबॉल को तेज गति, अज्ञात अनिवार्य रूप से मुझे उस ओर खींच लिए जाते। वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था, वो जानलेवा टाइम टेबल, वो कठोर पुस्तकें, किसी की भी याद नहीं रहती थी। भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता था, मैं उनके साये से दूर रहने की कोशिश करता था। कमरे में इस तरह दबे पांव आता था कि उनको खबर ना, उनकी नजरें उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा एक नंगी तलवार से लटकती मालूम पड़ती, फिर भी आदमी जिस तरह मोह माया के बंदरों में जकड़ा रहता है, मैं भी इतनी घुटकियां फटकार खाकर खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। साला में इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 दर्जे का अंतर और रह गया। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथ लू, कहां गए आपकी घोर तपस्या, मुझे देखिए मजे से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल। लेकिन वो इतने दुखी अंदाज थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पे नमक छिड़कने का विचार है मुझे लज्जास्पद जान पड़ा, अपने पर कुछ अभिमान हुआ, आत्मसम्मान हुआ, खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर भाई साहब ने फिर वजीहत दी तो साफ साफ कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मुझे देखी मुझे से खेलता रहा दर्जे में अव्वल, जुबान से हेकड़ी जताने का साहस नहीं होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर हो जाता था कि भाई साहब का आतंक मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब के तेज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, भाई साहब ने इसे भांप लिया। एक दिन भोर का सारा समय मैं गिल्ली डंडा की भेंट कर जब भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों की नहीं रही, तो तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण कहां तो पढ़ा ही होगा, कौन सा उपदेश लिया उसके चरित्र से, क्या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तहान पास कर लेना बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार बहुत बढ़ गया है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र हैं जो अंग्रेज के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सारे महल उसे कर दिया करते थे, आग और पानी के देवता भी उसकी गुलामी किया करते थे, मगर उसका हर्ज क्या, घमंड ने नामो निशान पिटक रख दिया। अरे चुल्ल भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा, आदमी चाहे कोई कुकर्म करे पर अभिमान न करे। इतना ही नहीं, अभिमान किया दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान के बारे में पढ़ा ही होगा, उसे यह घमंड था ईश्वर का सबसे सच्चा भक्त, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। अंत क्या हुआ, स्वर्ग से नर्क में धकेल दिया गया,
शाह रोम ने भी एक बार अभिमान किया था और भीख मांग मांग के मर गया। तुमने तो भी केवल एक ही दर्जा पास किया, इसी में तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके हो कि हम समझना कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए हो, बाकी अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। मगर भाईजान, बटेर एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गिल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी तो वह है जिसका कोई भी निशाना खा लेना चाहे और मेरे फेर होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना जाएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना आसान समझते हो? बादशाह के नाम याद रखना आसान नहीं? अभी तो 8-8 हेनरी कुछ रहे, कौन सा कांड किस हेनरी के वक्त हुआ था, यह सब याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया और सारे नंबर कट गए। सफा चट सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन अभागों को कोई नाम भी ना सूझते थे, एक ही नाम के पीछे दो एम सो एम चारुम पंजुम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो 10,000 नाम बता दिया होता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है, आजा बक जगह और वजह लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अरे गुल मुमतिन से क्यों नहीं पूछता कि आजा बा आवजा में क्या फर्क है? क्यों व्यर्थ की बातों के लिए छात्रों का खून बहाते हो? अरे दाल भात रोटी खाया या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है? लेकिन परीक्षा को किसकी क्या परवाह, वो तो चाहते हैं कि बच्चे अक्षर अक्षर रटा। ऐसी रटन का नाम ना छोड़ा है शिक्षा। आखिर इन बेसिक पर की बातों पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पे वलम गिरा दो तो लम आधार से दुगना हो जाएगा। अब पूछिए प्रयोजन, दुगना हो जाए चौगना हो जाए आधार है मेरी बलस, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये खुरापात को तो याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पे एक निबंध लिखो जो चार पढ़ने से कम ना हो। सामने का कॉपी खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है, आदमी के जीवन में संयम आता है, कारोबार में तरक्की होती है, लोगों को उस पर स्नेह बनता है। पर इस जरा सी बात के लिए चार पन्ने कैसे लिखो? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे चार पन्ने लिखने की क्या जरूरत? मैं तो उसे हिमाकत समझता हूं। ये समय की किफायत नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ की बातों को ठूंस दिया जाए। हम तो चाहते हैं जिसको जो कहना चटपट कहे और अपनी राह। लेकिन आपको तो चार पन्ने रंगने ही पड़ेंगे और पन्ने भी पूरे फूल के आकार के। छात्रों पे अत्याचार तो है क्या? संक्षेप में तो चार पन्ने हुए नहीं तो 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए धीरे भी, है ना उल्टी बात? बालक भी इतनी सी बात को समझ सकता है और उस पे दावा करते हैं हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तभी पाल पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी दर्जे में प्रथम आ गए तो जमीन पर पांव नहीं रखते, जो कहता हूं उसे गिरा बांधिए, वरना कह देता हूं बहुत पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, ना है ईश्वर जाने भाई साहब के यह उपदेश वाला कब समाप्त होते। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, पास होने पे ये तिरस्कार तो फेल होने पर तो प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे का जो डरावना खाका पेश किया था उसने मुझको भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, ये ताज्जुब है इतने तिरस्कार के बावजूद पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों के त्यों बनी रही। पढ़ता उतना है कि रोज का टॉपिक पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। जो भी अपने ऊपर विश्वास पैदा हुआ था वो सब लुप्त हुआ और एक चोरों सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, कुछ ऐसा संयोग हुआ कि भाई साहब फिर फेल हो गए, मैं पास हो गया। मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी, मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणों का परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, 10 बजे तक इधर 4 बजे तक उधर। स्कूल जाने के पहले मुद्रा क्रांति ही हो गई थी, लेकिन बेचारे फेल हो गए।
मुझे उन पर दया आती थी। जब नतीजा सुनाया गया था तो रो पड़े थे और मैं भी रोने लगा था। मेरी पास होने की खुशी आधी हो गई थी। अगर मैं भी फेल हो जाता तो शायद भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले, मेरे और उनके बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था। मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई, अगर भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं, तो मैं उनकी बराबरी हो जाऊंगा, फिर किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को बलपूर्वक अपने मन से निकाल दिया। इस वक्त उनकी डांट मुझे अवश्य अप्रिय लगती है, शायद उनके उपदेशों का नतीजा है कि मैं धनाधन इतने अच्छे नंबरों से पास हो जा रहा हूं। भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए थे, मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से काम लिया। या वे स्वयं समझने लगे थे कि उन्हें डांटने का अधिकार नहीं रहा, या रहा वे तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। भाई साहब के डर से जो पढ़ लिया करता था वो सब बंद हुआ। अब मुझको एक नया शौक पैदा हो गया था, कनकौवी उड़ाने का, मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट आदि की तैयारियां सभी गुप्त रूप से हल की जाती थी। और मैं भाई साहब को यह संदेह भी ना होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम सा गया है। एक दिन संध्या समय मैं बेतहाशा एक कटा हुआ कंकड़ लूटने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाश का भी पति की ओर जो मन गति से झूमता हुआ पदों की ओर चला रहा था। और इस मन से कोई अपमान करकर रथ मन में नहीं संकाय गर्मी से पहले चल जा रही पत्तों की पूरी सेना रथी छाता पास लिए सभी सुसागर करने के लिए चल जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं, जहां सब कुछ सुनकर मदद कर सकता हूं। सासा भाई सबसे बाजार से लौट रहे थे और वहां उन्होंने मेरा वही हाथ पकड़कर उग्र भाव में बोले, बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं है कि तुम नीची जमात नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो? मुझसे केवल एक दर्जा नीचे आदमी को कुछ तो अपनी पोजिशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था जब लोग आठवीं दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने मजिस्ट्रेटों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितनी आठवीं जमात वाले हमारे समाचार पत्रों के संपादक व लीडर हैं। बड़े बड़े विद्वान उसकी माथवी में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आके धीरे के कनकौवे की तरह दौड़ते हो। मुझे तुम्हारे कम अपने पे दुख होता है, तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, मगर वो जहन किस काम का जो हमारी आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने मन में समझते होगे मैं भाई साहब से केवल एक दर्जा नीचे हूं, इसलिए उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है। तो ये तुम्हारी भूल है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, चाहे तुम मेरी ही जमात में क्यों ना जाओ। अगर परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष होगी। और उसके आगे साल शायद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच जो 5 साल का अंतर है, अरे सो तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता, खुदा भी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसके बराबरी कभी नहीं कर सकते, चाहे तुम एम ए डिफिल या डिलीट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है बल्कि दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया है, दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे नहीं गए हैं, लेकिन उन्हें हमें तुम्हें समझाने सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमसे तुमसे कहीं ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा है। वो हिंदी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितना नक्षत्र है, अमेरिका में कौन सा राज व्यवस्था है, ये बातें बेशक उन्हें मालूम ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका उन्हें ज्ञान हमसे तुमसे कहीं ज्यादा है।
देव ना करे आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा ना घबराए ना बदहवास हो, पहले मर्ज पहचान कर खुद इलाज करेंगे। अगर उसमें असफल हो गए तब जाकर डॉक्टर को बुलाएंगे। तुम तो यह भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। दादा जो कुछ भेजते हैं 20 बज तक खत्म कर डालते हैं। नाश्ता बंद और धोबी और नाई से मुंह चुकाने लगते हैं, लेकिन हम तुम जितना खर्च करते हैं। दादा ने उसकी जिंदगी का एक भाग को बहुत नेकनामी और इज्जत के साथ गुजार दिया है, साथ में कुटुंब का पालन भी किया। कुल 9 लोग थे। अपने हेडमास्टर साहब को एमए के नहीं, वो भी यहां के नहीं, ऑक्सफोर्ड के, 1000 रुपया महीना पाते हैं। मगर उनका घर का काम कौन संभालता है? उनकी बूढ़ी माँ। यहां तो हेडमास्टर साहब की डिग्री बेकार हो गई। पहले प्रबंध अपने हाथों में था, खर्च पूरा ना पड़ते थे, कर्जदार सिर पर रहते थे। जब से उनकी बूढ़ी माता जी ने प्रबंध अपने हाथों में ली है, घर में जैसे लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप हो जाओगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे। अगर तुम ऐसे नहीं माने तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें तो मेरी बात जहर लग रही होगी। मैं उनकी स्नेहति से नतमस्तक हूं। मुझे आज सच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। अब भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं भाई साहब, हरगिज नहीं भाई साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब सच है भाई साहब, और उसे आपको कहने का भी अधिकार है। भाई साहब मुझे गले से लगा लिया हर बोले, मैं तुम्हें कंदोवी उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा भी जिला नचता है, लेकिन क्या करूं, खुद विराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये कर्तव्य तो मेरे ही सिर है ना। बोलो। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे पास से गुजरा, जिसके 2 लटक आई थी, बालकों का पूरा गोल, लग के झाड़दार बांस लिए, सभी उसको स्वागत करने के लिए चले आ रहे थे। भाई साहब तो लंदे हैं ही,